हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मेरा इस वीडियो नेपाल से कोई वॉच कर रहा है, मेरा कोई व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना, इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आज देखेंगे, कुछ रिक्वेस्ट था, सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने डीसी पावर सप्लाई से वीएनएम सेक्शन का शॉर्ट कैसे रिमूव करते हैं वो दिखाया था। तो ये है इसका लोअर पोर्शन, ये है इसका वीएनएम पोर्शन। तो उसका वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीएनएम सेक्शन का। अगर शॉर्ट किसी को देखना है कैसे डीसी पावर से रिमूव करते हैं तो देख सकते हो। और आज का टॉपिक है मदरबोर्ड का जो लोअर सेक्शन होता है, थ्री थ्री वोल्ट सेक्शन, 5 वोल्ट सेक्शन में। तो ये लोअर सेक्शन में अगर कुछ शॉर्टिंग वगैरह है तो कैसे हम डीसी पावर सप्लाई से फाइंड आउट करें उसे। तो देखो, ये सभी बोर्ड में होगा लेकिन कंडीशन अप्लाई है, हर जगह आप डीसी पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है इंजेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा जगह है जो मैं डिटेल्स बताऊंगा वीडियो में, वहां पर आप वोल्टेज दे सकते हो। और किस टाइप के बोर्ड में आप डीसी पावर सप्लाई यूज़ करोगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखो, इस बोर्ड का कंडीशन है, तो ये एलसीटी से है बनगा। तो इसका रीज़न है हीटिंग इशू, देख सकते हो लिखा हुआ हीटिंग इशू। तो ये बोर्ड पहले कहीं पे गया था सर्विस के लिए मेरे ख्याल से। तो देख सकते हो यहाँ पर एक एलडीओ है, ये किसी ने चेंज किया था शायद, या फिर तो कस्टमर ने कहा है कि ये जब भी पावर दे रहा हूँ तो ये जो एलडीओ है रेगुलेटर, ये बहुत ही हीट हो रहा है, बोर्ड चल नहीं रहा है, ऑन कंडीशन में नहीं है। तो इस टाइप का अगर केसेस है हो, एलडीओ आपका बहुत हीट हो रहा है, बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा है, डेड कंडीशन में नो पावर है, तो आप जितने भी एलडीओ चेंज कर लो, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगा। ताकि इस टाइप के केसेस में अगर एलडीओ हीट हो जाता है तो एलडीओ खराब नहीं होता है। 100 केसों में से 98% केस में एलडीओ खराब नहीं होता है, 2% में होता है। तो देखो, ये अगर हीट हो रहा है तो रीजन ब्रिज पे हो सकता है, ये आईसीएच पे हो सकता है, एमसीएच पे हो सकता है, ये वाला आयो हो सकता है, लैन आईसी हो सकता है, साउंड आईसी हो सकता है, क्लॉक आईसी हो सकता है। ठीक है, ये तीन चार वजह से ये हीट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं और भी क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, ये है इसका इनपुट वोल्टेज, 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट होता है इसका, और ये है इसका आउटपुट वोल्टेज बीच में जो है। ठीक है, पीछे में जो है और बीच में, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है और ये इसका ग्राउंड है, ये 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो ये TPL17 ही है इसका मॉडल नंबर एलडीओ का। तो देखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जब भी मैं पावर दूंगा बोर्ड में तो ये बहुत ही हीट हो जाएगा। तो अगर आपने चेंज कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जैसा हीट हो रहा था नया कंपोनेंट लगाने पर भी ऐसा हीट होगा, क्योंकि इसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है, इनपुट तो सही है, 5 वोल्ट आ रहा है, इनपुट में कोई दिक्कत नहीं होता है, पर वो जो वोल्टेज 5 वोल्ट से कन्वर्ट करके 3 वोल्ट भेज रहा है, और वो 3 वोल्ट जहाँ जहाँ पर भेज रहा है वो कंपोनेंट अगर खराब हुआ, शॉर्ट है, तो ये हीट होगा डेफिनेटली। इस टाइप के केसेस में अगर आप नया एलडीओ लगाओगे तो भी मदरबोर्ड में कौन सा सेक्शन में शॉर्टिंग है आपको नहीं पता चलेगा, ये एलडीओ ही हीट होगा, नया एलडीओ। अगर इसे आप रिमूव कर दोगे तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज ही नहीं आएगा बोर्ड में, तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट हीट है। तो पहले देख लो ये हीट हो रहा है, मल्टीमीटर को थोड़ा सा हटा दे। तो अभी मैं एसएमपीएस ऑन करूँगा और आपको भी पता चले कि मैंने एसएमपीएस ऑन किया है। तो एक यूनिवर्सल डिवा कार्ड लगा देता हूँ ताकि पीएस ऑन वोल्टेज इसका बन रहा है कि नहीं वो मैंने पहले नहीं देखा, तो एक बार थोड़ा सा ऑन करके देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, पीएस ऑन वोल्टेज आ चुका है। तो अब देखो, ये बोर्ड टिगर नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्टेड है, मैंने देखा पहले वीडियो बनाने से पहले। तो अभी देखो, मैंने
डिबग कार्ट पे फॉलो करो। एक सेकेंड, मैं ये लिक्विड ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाना है ना। तो डिबग कार्ट पे फॉलो करो, देखो यहाँ पर PSON वोल्टेज आ चुका है। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ये बहुत ही हीट हो रहा है, देख सकते हो, देख सकते हो आप, ये जल रहा है जब भी मैं थीनर दे रहा हूँ, देख सकते हो आप, क्लियर एकदम। ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये LDO खराब है, इसका आउटपुट वोल्टेज जहाँ जहाँ पे जा रहा है उनमें से कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। इसका आउटपुट वोल्टेज ब्रिज पे जाता है, इस ब्रिज पे जाता है, यहाँ पर ICH पे जाता है, MCH पे जाता है, IO पे जाता है, और भी कुछ कुछ जगह पे जाता है, BIOS पे जाता है। तो पहले हम देखेंगे, ऐसे तो हाथ देके पता नहीं चलेगा कि इस बोर्ड में कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, क्योंकि ये पहले हीट हो रहा है, वोल्टेज रिटर्न कर रहा है इसलिए वो हीट हो रहा है, तो इसे हटा देते हैं। तो अभी मैं ये दो जो हीट सिंक है उठा लेता हूँ और DC पावर सप्लाई का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव ना करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिमूव कर लूँगा तो अच्छा रहेगा। कंडीशन में बोर्ड टिगर भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही हीट हो रहा है, आपने देखा जब भी मैंने पेस्ट लिक्विड डाला तो लिक्विड जैसा गर्म पानी उबलने से जैसा होता है ऐसा ही हो रहा है, हीटिंग होने के बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये स्मेल तो नहीं बोलते पर पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हिंदी मुझे उतना आता नहीं। अभी मैं से निकाल देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया, अब इसका काम नहीं है, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। चलो मैंने रिमूव कर दिया, देख सकते हो आप क्लियरली। तो अभी मैं अगर पावर दूं, एक बार देख लेते हैं। तो अभी एक डिबग कट को भी लगाता हूँ और एक बार मैं पावर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो PSON वोल्टेज है, लेकिन बोर्ड में ये 3 वोल्ट जहां जहां पर जा रहा था वो सेक्शन काम नहीं करेगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे DC पावर सप्लाई से कि इसका कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो ठीक है, देख लेते हैं। वैसे तो ये हीट नहीं हो रहा है, कोई कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने इसे निकाल दिया है 3 वोल्ट जहाँ जहाँ पे जाना था। अभी देखो, तो मैं दो हीट सिंक को थोड़ा निकाल लेता हूँ और ये गया, ये एक निकाल दिया और ये भी निकाल देता हूँ ताकि चेक कर लूँ एक बार कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है इसका, क्योंकि वैसे तो हीट नहीं हो रहा है, पहले मैंने देखा हाथ देखे बोर्ड में पावर देखे, कोई भी कंपोनेंट ऐसे हीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप DC पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। और अगर इसका ब्रिज शॉर्ट है, शॉर्ट हुआ तो ब्रिज कैसे शॉर्ट चेक करते उसका भी ट्रिक है, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, तो वो भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ब्रिज शॉर्ट है कि नहीं। तो देखो मैंने हटा दिया इसे भी और इसे भी। तो अभी हमें एक वायर लेना है आपको, और इस वायर को सोल्डरिंग आयरन से, एक सेकेंड, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर, इसका आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट, तो आपको इस आउटपुट वोल्टेज में सोल्डरिंग करना है, ठीक है। यहाँ से आप वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैंने वायर लिया, वायर को यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में डालना है आपको, सोल्डरिंग कर देना है, ठीक है। तो LDO से आप वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका है
तो ये है उसका एलडीओ, यहाँ पर रहे, ये कोई बात नहीं। तो अब देखो डीसी पावर सप्लाई में आ जाते हैं, इसको वोल्टेज सेट करना है 3.3 वोल्ट रहेगा तो भी चलेगा। तो देख लो अभी हम इसका वोल्टेज सेट करेंगे 3.5 रखते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने डीसी पावर सप्लाई को ओसीपी पे रखा है, देख सकते हो ये वाला ओसीपी मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन। और पहले देखते हैं शॉर्टिंग का है कि नहीं, अगर है तो सीसी पे रख के चेक करेंगे, सीसी मतलब कांस्टेंट करंट। तो देखते हैं, तो अभी आपको एक मल्टीमीटर से सॉरी मल्टीमीटर नहीं, ये है डीसी पावर सप्लाई का से कनेक्टेड है ये जो प्रोब है, ये एक को आपको लगाना है, माइनस को लगाना है ग्राउंड पे, यहाँ पर लैन पोर्ट पे आप डाल सकते हो, और दूसरे को इस वायर में जहाँ पर आपने आउटपुट वोल्टेज पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने शोल्डरिंग किया है, इसका आउटपुट वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, वही फिर एक वायर डाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो देखेंगे अगर शॉर्ट है तो बीप करेगा मेरा पावर सप्लाई, एक सेकेंड थोड़ा सा बढ़ा दो, बीप करता है कि नहीं देखते हैं। नहीं बीप नहीं कर रहा है, पर सॉरी ओसीपी सीसी पे चला गया। तो अभी देखो मेरा जो डीसी पावर सप्लाई में देखो आप कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, 2.789 कर रहा है। तो अभी रहने देते हैं ऐसे और लिक्विड डाल के देखते हैं थोड़ा सा कौन सा कंपोनेंट इसका शॉर्ट है। तो देखते हैं ऐसे लिक्विड ये, अच्छा ये वाला कंपोनेंट ही शॉर्ट है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट ही शॉर्ट, बहुत हीट हो रहा है, ठीक है। तो और भी कुछ शॉर्ट है कि देख लेते हैं, यहाँ पर लिक्विड डालना पड़ेगा ऐसे, आपको डालने से ही पता चल जाएगा कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है कि नहीं। तो ये एक ही शॉर्ट है, ये ब्रिज शॉर्ट है, इसका जो ICH है साउथ ब्रिज, ये शॉर्ट है, देख सकते हो ये डालने के साथ साथ ही ड्राई हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रह नहीं रहा है, डाल रहा हूँ पास से दिखा दूँ, ये देखो डाल रहा हूँ एक सेकेंड में ड्राई हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही हीट हो चुका है, तो चलो मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो इजीली अब फाइंड आउट हो गया कि इस मदरबोर्ड में बीजी खराब है, ठीक है। तो नेक्स्ट और कुछ नहीं करना पड़ेगा, फालतू टाइम वेस्ट मत करके, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में फॉल्टी है। अगर ये भी खराब होता तो ये हीट हो जाता, और अगर ये आईसी क्लॉक आईसी भी खराब होता तो ये हीट होता, आयो खराब होता, लैन आईसी साउंड आईसी, तो इनमें से कोई भी खराब नहीं है, यहाँ पर सभी नॉर्मल हीट में है, और एक यही है जो अभी भी बहुत गर्म है। तो देखो ये बोर्ड और रेडी नहीं होगा तो इसका रेडी का वीडियो मैं बना नहीं पाऊंगा। तो अभी जो हमारा सब्जेक्ट था, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वोल्टेज इंजेक्ट करके कि कौन सा सेक्शन में मदरबोर्ड का फॉल्टी है कंपोनेंट, वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो देखो इजीली देख सकते हो ये वाला ब्रिज खराब है इसका, इसीलिए ये एलडीओ का जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज है इसमें भी जाता है, तो ये खराब है अंदर से, ड्राई है। तो अभी इसे हीट अप करने करके एक बार देखूंगा, लास्ट टाइम फुल हीट करके देखूंगा, अगर रेडी हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो रिटर्न कर दूंगा। लेकिन मेरा जो टॉपिक था वो कैसे चेक करते हैं वो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बस टाटा, लव यू ऑल, जय हिंद।